एक ही है यार लाइक। तो कल से तो वैसे इन लोगों की हिम्मत है कि ये ऐसी जगह पे रहते हैं। दिख रहा ना इधर और इधर उसी फोटो ले लूंगा। हट जा नील, हट जा इधर, को जा इधर की तरफ। ये बैठा तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ चुके हैं और आपका नाम क्या है? ये जब्बार भाई ने हमको यहाँ पे फोन करके बुलाया है और यहाँ पे घर में गोबर छुपा हुआ है और इसको साफ ढंग से निकालना होगा। तो वीडियो बने रही अभी तक। दो है, दो है, एक ही है नाग ना है। तो मैं इसको इस तरफ से छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ये पूरी भार आ चुकी है। इधर से आधी पकड़ रखी है, ये सारी भार आ चुकी है तो इसको मैं इधर से छोड़ के पकड़ता हूँ। बाहर लेके चलते हैं। देखा कैसे से जा रहा है? तीन आता है ना जल्दी। हट जा, उठ जा, पी जा। इसको दे दो, गले में बैठा। अरे वहां वो कैसे चढ़ गया तुम्हारा? हां ऊपर हो गई है, होने के ही तो गाने चल रहे हैं। तो कल से तो वैसे ही चलते रहेंगे भाई। सपना मेरा पूरा हो गया आज, जो देखा था कहीं ना कहीं देख लिया सब। ये पानी डालेगा, बोतल बोतल मंगा ले, कोई अन्नत खरीद का फ्रिज का है मगर ठंडा जाएगी। और आप फसगार मारेंगे, देख कैसे फन फन करे। दूध पिएगा सुनील भाई? नहीं नहीं दूध नहीं पिएगा, इसके लिए भी नहीं होता, ये फिर मर जाएगा। मंदिर में दिखाते हैं कोई दूध वो थोड़ी ना पीता है। नहीं तो कंप्यूटर से दिखा दिया उन्होंने, पी ले। कोई कोई होता है अलग चीज थी। अरे भाई मैं जा रहा हूँ यार, मेरा एक बोतल और ले जा। हेलो ये क्या है कि थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ी सी वैसी हो रही थी। गर्मी में क्या होता है कि थोड़ी सी इसको गर्मी लगती है तो गर्मी में गुस्से में काटने की कोशिश करती है। वह बिल्कुल शांत है। हाँ अब इसको पहले से थोड़ा सा बहुत फील महसूस हो रहा है। गर्मी में पानी भी आया ना तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा पानी वापसी फेंक रही है। अच्छा। पानी थोड़ा सा ठंडा था। तो उल्टा तुम्हारा नीचे को कर रखा है ना, बात तो ये है। ऐसे हम लकड़ी पे ले जाते थे। अच्छा। ये भाई जो है ना भोले शंकर मानने हैं और वैसे भी जो है ये शिवलिंग पे बैठते हैं तो वैसे ही भोले बाबा के गले का हार है ये। फिलहाल ये नागिन है तो जो है नागिन भोले बाबा ने धारण नहीं की थी अपने गले में, नाग को धारण किया था और नाग भी दूसरा होता है। तो देख सकते हैं ये एक श्रद्धा है भाई की जो बगल में खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं। ये क्या नाम है भैया आपका? नरेश। नरेश क्या करते हो आप? गाड़ी हूँ।
हैं? पुजारी हो? अच्छा, पूजा करते हो मंदिर में? अच्छा अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि पुजारी हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो ये देख सकते हैं इसको पानी से नहलाया गया है जिससे अब ये शांत हो गई है। तो चलिए इसको पैक कर लेते हैं। और देखिए काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और ये जो यहाँ पे ये जो मकान आप देख रहे हैं ये लोग इनमें रहते हैं। और आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल है, जिस वजह से इस तरीके के जो जानवर हैं, सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह, इनका निकलना एक आम बात है। इस्लामपुर बड़े थे भाई भी समझदार है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए इन लोगों की हिम्मत है कि ये ऐसी जगह पर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसी जगह है ये, मतलब चारों तरफ इसमें जंगल है। जंगल ना हो और ऐसे मकान बना के रहो तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जंगल के बीच में इस तरह के मकान बना के रहना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। और ये समझ लीजिए कि वो तो इत्तेफाक है कि सांप किसी को दी जाता है, अगर ना दिखे तो कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है। तो फिलहाल जो है इसको रेस्क्यू कर लिया गया है और हम इसको कट्टे में पैक करके ले जाते हैं इसके अनुकूलित वातावरण में, जहां हम इसे रिलीज कर देंगे। सुन भाई, ये बंदा क्या दांत तोड़ रखे हैं इसके? एक बार ये बंदा कह रहा दांत तोड़ रखे हैं। तो एक काम करो, दांत तोड़ रखे हैं इनके, मतलब ये बोल रहे कि मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है तो मैंने इसके दांत तोड़ रखे हैं। तो मैं इसको आपको इसके दांत दिखाऊं, ये हो जाएगा आपको? दिखा दे, दिखा बात नहीं दिखाना। इनको मैं भाई को इनके दांत दिखाता हूँ। तो ये भाई को शक है कि मतलब हमने इसके दांत तोड़े? दांत नहीं तोड़े हैं, अभी तो हमारे सामने पकड़े जाए, फिर भी क्या समझ रहा है इसे? खून निकल रहा, कहीं खून निकलता दिख रहा है? लकड़ी बहुत तगड़ी लिया। तो देखिए दोस्तों, ये भाई बोल रहे थे कि इसका इसके अंदर आप फिर से सर भाई ये भाई बोल रहे हैं कि इसके अंदर दांत तोड़ रखे हैं। तो मैं इसको दांत दिखाता हूँ। आ भाई दांत देखो इसके, देखिए ये रही यार, कहाँ से था? ऊपर ही है दांत, ये देख रहे हो कांटे हैं ना? ये देखिए भाई, ये देखिए ये कांटे हैं, ये देखिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रहे यहाँ है भाई है। अगर जब हो गया ना, हो गया लेकिन ठीक है, अब मत बोलना। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसे करोगे। पाए करे जया करता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको हम पैक करते हैं। अच्छा अरे चलो बच्चे लोग, इसको खिलाऊंगा। हाँ हाँ, खाना खिलवाऊंगा मैं इसके लिए। बाबा इसको चलते हैं इसके सही परिवार में छोड़ने के लिए। तो आपको विश्वास हो चुका है? चलो दांत मालूम है, ऐसे मछली कांटे ना होते हैं। इनको विश्वास हो चुका है कि इसके अंदर दांत हैं। तो आप गलती से भी कभी ऐसा ना करें, किसी को ऐसा ना बोलें। काफी ज्यादा उबड़ खाबड़, ये आप देख सकते हैं कितनी अजीब और गरीब जगह है। और यहाँ चारों तरफ जंगल है दोस्तों, इसका अनुकूलित वातावरण, जहाँ हम इसको अपने रिलीज कर देंगे। अब यहाँ गाना बजेगा, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। लेकिन बस यहाँ पे कमी एक है कि सुनील भाई के हाथ में बीन नहीं है और ये नागिन है। चलिए गई नागिन।